पिताजी, जैसे आप सरपंच की कुर्सी पर बैठकर हमेशा न्यायपूर्वक फैसला करते आए हैं, वैसे ही मैं भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने पराये की पहचान भूलकर न्यायपूर्वक फैसला करता आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज भी न्यायपूर्वक फैसला कर सकूँ। चलो भाई साहब, चलो दबीर। भाइयों, सब जाने कि जब किसी के घर में बंटवारा हुआ करे तो घर घेर खेत खलियान रुपए पैसों के बंटवारे के साथ साथ रिश्तों के भी बंटवारे हो जा करें। वो अलग बात है, कुछ घरों में रिश्तों के बंटवारे नहीं होते। सभी गांव वाले जाने कि 2 साल पहले सतेंद्र में जितेंद्र में आपस में बंटवारा हुआ था। सतेंद्र के ट्यूबवेल पे खड़ी 2 शीशम भी सतेंद्र के हिस्से में आई थी, लेकिन जितेंद्र ने ताकत के घमंड में आके दोनों शीशम बेच दिए। सरासर बेईमाना है, इसलिए पंचायत का यह फैसला है कि बेची गई दोनों शीशम के 1.5 लाख रुपए में से जितेंद्र 75,000 रुपए अपने भाई सतेंद्र को देगा 1 हफ्ते के भीतर। सरपंच, अगर मैं ना दूं तो, क्योंकि ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। अगर जितेंद्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने भाई सतेंद्र को 75,000 रुपए नहीं देता है तो इसकी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली जाएगी और उस टाइम तक पंचायत घर में रहेगी जब तक पैसे पूरे नहीं होने। और मैं इतना बढ़िया फैसला तो हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया और सरपंच जी क्या फैसला कर सके? हाँ, बढ़िया फैसला कर दिया जी, बस मौज होगी फैसले में तो। वाह सरपंच वाह, क्या फैसला करा, जी खुश कर दिया। गांव वालों, आज सरपंच ने मेरे खिलाफ जो फैसला सुनाया उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, देखना तुम लोग। चलो डिफाल्टर। हमारे भाई साहब, हमारे सरपंच साहब का फैसला बिल्कुल सही था। बे यार देखो, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत सही था।
राजवीर, आज का फैसला तुमने ठीक नहीं किया। देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा। कौन? मैं उदयवीर। अगर तू सरपंच का भाई बनकर आया है तो वापस उल्टे पांव चला गया। अगर मेरा दोस्त बनकर आया है तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। मेरी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है जितेंद्र, मेरे यार। आजा तो आजा मेरे यार। बड़ा मेरे यार के लिए। देख उदयवीर, आज तेरे भाई ने जो फैसला किया वो ठीक नहीं है। देख मेरे यार, मेरा भाई वो बाद में है, पहले वो पूरे गांव का सरपंच है। सरपंच का फैसला सबके लिए मान्य हो, चाहे उसमें तू हो और चाहे मैं। सवारी कहाँ था हरी भाई? भाई वो जितेंद्र आपके फैसले से खुश नहीं था, इसीलिए। अच्छा, उस फैसले के दुख में दी गई है दावत? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई साहब, आपका फैसला सुपर गजब गजब भाई साहब। भाई और रही थी गजब। अरे कौन है? राम राम। राम राम लल्लन, आज सुबह सुबह कैसे आ गया भाई? आज पेपर अंग्रेजी का विजय कहाँ है? विजय अंदर है, तैयार होने लग रहा। आ जा। अरे चौधरन, कुछ नाश्ता वास्ता लिया? उदयवीर भी तकली तरह खेत जा लिया, और आज विजय का भी पेपर है जो वो खेत चला जाता, और दोपहर को 15-20 आदमी भी रोटी पुछवा दिए। विजय जल्दी आ जा, पेपर निकल जाएगा। मारे बिना पेपर बांट दोगे मास्टर? अरे माँ, खाना लिया जल्दी। अरे अच्छा अच्छा, ले बेटे नाश्ता कर, पेपर बढ़िया ढाल करिए। भाई पेपर तो मेरे पूरा याद है, चिंता ना करे तू। चल भाई चल। कहाँ चला गया जीजी? विजय चला गया के? हाँ जा लिया, मैंने उसे नाश्ता भी करा दिया था। अच्छा। अरे हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा कि नहीं, हम भी खेत चले जाते। लो भाई साहब, आप नाश्ता ले लो।
ठीक है चला फिर फलता इसी रास्ते से आ रहा है, मैं देख लूंगा साले को, देख लूंगा ठीक है, और साले कुछ बोरी बंद कर लूंगा बेटे से चिल्ली, तुम्हें तो बहुत समझदार है। और यहाँ साले आ जा बेटे। होशियार साहब छोटी सी उम्र में बड़ी क्लास में, इसके पेपर में देखूंगा। अरे यार भैया आज पेपर किस चीज का? ए लड़के इधर उधर क्या देख रहा है? नाम क्या है तेरा? लल्लन। ये कैसा नाम है? यू ही टेक रखा थे मेरे बाप ने नाम। माइंड योर लैंग्वेज एंड सिट डाउन। आज तो कैड़ा काम होगा भाई। हाई भी लगागा जुगाड़। सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मानवी। ठीक है बैठ जाओ। पूरा पेपर कर दिया मार्च में हमने। अरे ये क्या कर दिया? गुरुजी गलती से हो गया। सिंगवान है चल। इब देख मैं प्रताप कैसे जागा, बहुत असरा था मुझे देख के। कराया काम है? कर दिया। पेपर कैसा रहा? फूक पड़े पेपर को। अरे कुछ तो लिख आया होगा। लिखा था पर जुगाड़ कर आया। क्या जुगाड़ कर गया? प्रताप की कॉपी पे अपना नाम और अपनी कॉपी पे प्रताप का नाम। उत्तरी की तू भी पक्का जुगाड़ी है। ले भाई
आज इसकी फिर हवा निकल गई। भैया क्या है ये रोज रोज का, इसका टायर क्यों नहीं बदलवाते आप? अरे प्रताप नमक बदल ले इसका। अरे लल्लन तेरी गड़बड़ तो नहीं हो? मेरा क्या मतलब? भैया अब मैं कैसे जाऊंगी? चल बाजार में पहले पंचर लगवावेंगे। भैया मुझे भूख लगी है। चल करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे विजय। हाँ प्रताप। अरे गांव में तो जा रहा है यार, इसे पूजा को भी लेता जाता। ले तो जाऊं पर इसे तो भाई नखरे कुछ ज्यादा ही है। चल भेज दे। ठीक है ठीक। अरे खाले कहाँ रह गया? रोटी लिया भाई दो। अरे उदयवीर अचार दे दिए भाई। लो भाई लो। ले फोड़ दिए प्याज। ले भाई तो भी ले ले। अरे विजय तेरा रोज रोज का हिला हो गया यूं। आवेर मेरे धोरे रोटी लग जा खा, या अपने बाप के द्वारा खा जा। क्या बनता होगी, जब तक आपके साथ में रोटी नहीं खाता मेरा पेट नहीं भरता। अच्छा चल खा ले। अरे मौसम तो साफ है, ओला कहां से गिरा भाई? अरे कहां चल दिया, रोटी तो खाता जा। डैर के खेत में पानी खोल का हूं। और बिजली तो नहीं आ रही? और जो लाइट आएगी? हमें तो नू लगे लोंडा पागल हो गया दिखे भाई। आलिया तू रोटी छोड़ के आया? कि रोटी खा के आता? तुझे देख के मेरी भूख प्यास भाग जा। क्यों, क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है? नहीं पूजा, तुम इतनी सुंदर और प्यारी होगी मैं बता नहीं सकता। चल झूठे। सच पूजा। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। साथ तो नहीं छोड़ दूँ? सरपंच का भतीजा हूँ, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा।
अरे मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैं कहाँ घूमता। आ जा फिर। हाँ। आ जा। राम राम प्रधान जी। राम राम हरिया। तेरे बापू की तबीयत कैसी भाई भैया? चौधरी सर अब तो ठीक है, आपकी दुआ से आपने बचा लिए। करने वाला तो वो है बेटे। हाँ लाला तू कुछ कह रहा था? हाँ अब मैं तुम्हें कह रहा था सरपंच साहब, अम्मा का एक खास बात बतानी थी। हाँ बता। मैं तुम्हें कहूँ था सरपंच जी, अब वो थारा भतीजा के कर दिया मेरे भतीजे ने। और करा तो कुछ नहीं है, पर मैं कहूँ अगर वो नहीं रोका गया तो। लाला तू पहली तो बुझावे ना, साफ साफ बता के बात है। सरपंच जी मैं कहूँ था कहना कुआवे, जल्दी बता के बात है। बात क्या है सरपंच जी, वो जितेंद्र है उसके साले की लड़की यहाँ गांव में पढ़ने आ रही थी, और बाद विजय के साथ में और खेत में गाना ही गा रही थी। गाना गा रही थी? अब मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो सरपंच जी, जब सारा गांव बताओगे जब यकीन करोगे क्या? आज मैं पूछूं विजय से। हाँ पूछ लियो, सोलान सच पावेगी मेरी बात। सुन ले लाला, अगर तेरी बात झूठी पाई तो तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ सही है, मेरी खैर नहीं, और चलो मेरी सही है बात। अरे डिफॉल्टर। हाँ जी। कहाँ गया था? खेत में गया था जी, सिट्टी बजा के। तेरा थोपड़ा क्यों धर रहा है? कुछ बातें ऐसी है। कौन सी बात है ऐसी? सोचूं कैसे कहूं, जैसे रोज कहा करे। यो बात थोड़ी अलग ही है। अरे कौन सी बात? हिम्मत से नहीं हो रही जी। हिम्मत करके बोल। तो कह दो हिम्मत करके। बता तो सही। बात ऐसी है चौधरी, देख मारी तो मेरा है ना। नहीं नहीं मारने का नहीं, तो बात बता। पूजा उदयवीर के लड़के के साथ गाना गा रही थी, और लगता है आपस में दोनों का प्यार है सिट्टी बजा के। डिफॉल्टर अगर तुम मेरा नौकर ना होता तो आज मैं तेरा सर उतार लेता। चौधरी सर तो उतार ले कोई बात नहीं, पर यो बात सच है सिट्टी बजा के। क्या हुआ पिताजी?
रही डिफाल्टर कह रहा के उदयवीर के लड़के का और पूजा का कोई चक्कर है? कुछ कुछ बहन सा तो मुझे भी लगे पिताजी। हैं? पूजा, ए पूजा, हाँ भैया, तेरे और उदयवीर के लड़के का क्या चक्कर है? फूफा जी, बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूजा, इसे मेरी अंखों का कतल ले जा। चल बेटी, चल चल लेंगे। नहीं पिताजी, आप गुस्सा ना करो। अरे गुस्से की तो बात ही है ये। नहीं पिताजी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आज हमारे पास मौका है। सरपंच ने जो हमारे खिलाफ फैसला सुनाया था ना, आज उसका बदला लेने का मौका आ गया। प्रताप बेटा, कह तो ठीक ही रहा। प्रताप तो सारी बात ठीक ही कह चौधरी साहब, सिट्टी बजा के। चल तो हुक्का भर के लिया। उदयवीर, अरे उदयवीर, आजा आजा भाई, उदयवीर आजा आजा, मैं आजा, बैठ जा। बोझोर का कुर्ता पहन रखा, बैठ जा। हाँ लाला, बता। हाँ उदयवीर, मैंने कहूँ था मगा विजय तो अभी जवान हो गया। हाँ, और मगा उसका ब्याह कर लो। हाँ ब्याह भी करेंगे, कोई लड़की है नजर में, वो तेरा भाई से बात करनी पड़ेगी पहले। पास में छोरा और गांव में ढिंढोरा, आया तो यह बात होगी। मैं कुछ समझा नहीं लाला। अरे इसमें समझने की क्या बात है, वो तेरा दोस्त है जितेंद्र? हाँ है। और तब तो बनो, अब बात पक्की। साफ साफ बता, बात क्या है? अरे साफ साफ के बताना, जितेंद्र के साले की लड़की और तेरा लड़का आपस में प्यार करे, और बता क्या बताऊं? हो जाएगा तेरा काम, जा तू चिंता न मान। रे विजय जी, ताऊ जी आजा, एक बात साफ साफ बता। जी ताऊ जी, तेरा जितेंद्र की साले की लड़की के साथ में कोई? ताऊ जी, मैं पूजा से प्यार करता हूँ। अच्छा, उसका नाम पूजा है? जी ताऊ जी। अच्छा ठीक है, जा मैं उदयवीर से बात करूँ। क्या बात है जी, आज चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है, कोई खास बात है क्या? खास बात ही तो है चौधरन, अपना विजय जवान हो गया। कहीं कोई लड़की देख ली क्या? आजकल के बच्चे तो खुद ही लड़की देख लिया करें, वो तो हमारा जमाना था, माँ बाप रिश्ते तय किया करें थे। लेकिन हमारा विजय ऐसा लड़का नहीं है। विजय मारे तो चार रात आग गए। मैं समझी नहीं। अरे पगली, विजय ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। कौन सी लड़की और किसकी लड़की? अरे वो जितेंद्र है नी? हाँ हाँ, वो अंधो में? हाँ हाँ, वो ही उसके साले की लड़की है। वो लड़की तो सुंदर है और मेरी देखी हुई भी है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। विजय जी। पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे? पूरा गांव जानता है मुझे छोड़कर। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जितेंद्र के साले की लड़की को कब से जानते हो तुम? विजय, मैंने तुझसे कुछ पूछा है? जी तुम्हें सारी बात का पता, मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बात यह है पिताजी, मैं और पूजा आपस में प्यार करते हैं और मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। देख लिया अपने सबूत को, कितना खुलकर बता रहा है। जमाना बड़ा खराब हो लिया जी, दूर हो जा मेरी नजर से। विजय रोटी खा ले बेटा। यू विजय, मैं क्या करा?
अजी आजकल का जमाना ढेर ही खराब आ गया। अब मैं क्या करूं? अजी करना के है, वो जितेंद्र है ना जो थारा दोस्त है, उससे रिश्ते की बात कर लो। तेरा होगा दिमाग खराब, मारा जो दर का घर है लुटने वाले रिश्ता लेके मारे आवे है। अजी आजकल का जमाना बदल गया, तुम भी थोड़ा अपने आप को बदल लो। देखो जी, वैसे भी मारा एक ही बेटा है, मैं उसे दुखी ना देख सकती। दुखी तो उसे मैं भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं सोचूं अगर भाई साहब को पता चल गया तो क्या होगा, समझे? ठीक है जी, ऐसा है आप सवेरे उठ के भाई साहब से सलाह कर लियो। ठीक है री, मैं मौका सा देख के बात करूंगा। भाई साहब अब तो सो गए होंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। और हाँ, और कल सवेरे अपने दोस्त जितेंद्र से भी बात कर लियो रिश्ते की। करूंगा करूंगा उससे भी बात। हाँ ठीक है। अरे उदयवीर। हाँ भाई। अरे विजय नहीं दिखाई दिया कल ते? वो पड़ा को भवन में। को भवन में? पर क्यों? अजी थारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया उसे। मेरे लाड प्यार थे, तू तो कहीं ना बिगड़ा है बिलो। साहब नु कह रहा के प्यार हो गया। फालतू की बात ना करे, जा अपना काम कर ले। ठीक है, मैं तो खेत में जा रहा। जा। राम राम सरपंच जी, राम राम। आजा लाला आजा, के ले आया? अरे घर का सामान ले आवे तो। जा दिया फिर मित्र। विजय, ओ विजय बेटा, तेरे ताऊ जी बुला रहे तुझे। अरे विजय। जी ताऊ जी। हाँ ताऊ जी। अरे कहाँ है तू, कल कहाँ रहा? कुछ काम था ताऊ जी। हाँ काम तो था, तू कोली जागा आज? हाँ जामा। यो के हाल बना रखा, बाल भी निभा रखे थे? कुछ भी नहीं ताऊ जी। ना दो के तू कोली चले जा, और शहर ते यूरिया के कट्टे पूछा दिए अनिल के तंगे में। जी ताऊ जी। ये ले रफे बेटे, तू ना दोगे ठीक ठाक रहकर, अब तू जवान हो गया, तेरा ब्याह भी करना हमें। ठीक है चौधरी साहब, यह बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई, और अब यो गाना भी तो गान लग गया। लाला है तू भी बावली पूछ वो कुकर। अरे भले आदमी, गाना विजय नहीं गाओगा तो हम गाओगे के? हाँ तुम भी गा सको चौधरी के साथ। जा अपना काम कर ले। अब मैं तो अपना काम ही करूं। ले बेटा दूध पी ले। मुझे भूख नहीं है माँ। पी ले, पी। कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। बेटा तू नू बता, तूने कल रात भी रोटी ना खाई और अब दूध भी ना पी रहा, ऐसी कौन सी बात होगी जिससे तू इतना नाराज हो गया? परसों पिताजी कह रहे थे ना। हाँ? और फिर माँ, मैंने पूजा से प्यार किया है, कोई पाप तो नहीं किया? कोई बात नहीं बेटा, बेटा तेरे पिताजी भी कल से इसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मेरी तो कोई सुनता ही ना। बैठ जल्दी, मैं नहीं आता तेरे साथ। क्यों? हाँ मुझे यो खतरा लगे, कहीं मेरे लड़के को भी यो गाना ना सिखा दे विजय। तू ले तो जावे मुझे शहर से पूजा बुलावे बिठा का, फिर मुझे वैसे आना पड़े। अरे सुन तो, बैठ। चल अलन उतर। मैं पहले ही कहूँ था मेट्रो रिक्शा में चले जाइए, इंदर रिक्शा पकड़ ला, गांव में निकल जाइए। आजा पूजा बैठ। विजय हमारे प्यार के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया। मेरे भी घर वालों को पता लग गया। फिर अब कैसे होगा? पूजा प्यार किया तो डरना क्या विजय, मैं तुमसे बिछड़ कर नहीं जी पाऊंगी।
यही हाल पूजा मेरा भी है। छोरी पर पोज लावे तू, मर जादा खम्मा खाना बैर लहावे तू। रम सामने की छोरी पर पोज लावे तू, मर जादा खम्मा खाना बैर लहावे तू। मर जादा खम्मा खाना बैर लहावे तू। रम छोरी हाई भाई मेरे नखरस हाई, छोरी हाई भाई मेरे नखरस हाई। तेरे बस की रखो ना वाद रे, मेरे भाई ना जो मेरा लग गया। तेरी कर रखड़ी ना काटने, मेरे भाई ना जो मेरा लग गया। तेरी कर रखड़ी ना काटने, मरने ते डर को ना लागे मर जानी। यो इसे काम छोरा रोज कर जा, तेरे शहर वाले भी रे देख के खड़े। यो काम कर छोरा पर पोज कर गया, मरने ते डर को ना लागे मर जानी। यो इसे काम छोरा रोज कर जा, रे तेरे शहर वाले भी रे देख के खड़े। यो काम कर छोरा पर पोज कर गया, रोज कर जा यो इसे काम रे, रोज कर जा यो इसे काम रे। तेरा भाई भी रे देख कहने छोंक जावेगा, छोंक जावेगा। तेरे को ना मिलेगी रे माफी मर जानी, भाई तेरे बाद मेरा पछतावेगा। तेरे को ना मिलेगी रे माफी मर जानी, भाई तेरे बाद मेरा पछतावेगा। परेशान? लेकिन क्यों मुझे बता, मैं करूंगा तेरी परेशानी खत्म। नहीं उदयवीर, जिस परेशानी की बात कर रहा हूं उसका समाधान तेरे पास नहीं है। मेरे पास ऐसे कौन सी समस्या जिसका मेरे पास समाधान नहीं है, तू मुझे बता। नहीं है तेरे पास समाधान, मैं दावा करता हूं। अरे तू समस्या, समस्या ये है कि बोल बोल, मेरे साले की लड़की
पूजा? हाँ पूजा, मेरे साले की लड़की, तेरा बेटा विजय और पूजा प्यार करें। मैं सोचू था उनकी शादी करा दूं, लेकिन फिर सोचा ना। मैं भी यही चाहूं अब विजय और पूजा की शादी, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्यों, क्या कमी है मेरे लड़के में? कमी तेरे लड़के में नहीं, तेरे में है। तेरे में? मेरे में क्या कमी है? मेरे में कमी या है तेरे में कि तू अपने लड़के के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता? पहले तू अपने भाई से पूछेगा, फिर हाँ कहेगा। यह बात तो है, इसलिए मैंने कहा था मेरी समस्या का हल तेरे पास नहीं है, तू तो अपने भाई का नौकर है। नौकर नहीं, मैं अपने भाई का नौकर नहीं हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। इज्जत? अरे तो नौकर नहीं, ये तो क्या है, सारा सारा दिन खेतों में काम करे और राजवीर चौधरी करे, रहा तेरा लड़का, वो भी पूरा दिन खेतों में काम करे, तुम दोनों बापू बेटा राजवीर के नौकर नहीं हो तो क्या हो? तो फिर मैं क्या करूं? बटवारा, अपनी सारी संपत्ति का। बटवारा? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो भूल जा अपने इस यार को भी और अपने बेटे के प्यार को भी। अब पूजा तेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। पप्पू पास डिफॉल्टर। हाँ? ये सिड्डी हटा दे। पर क्यों, ऊपर तो पहुंच जाए कमरे में सिट्टी बजा के। अरे यू ही तो कह रहा, चल इसे हटा। विजय? हाँ पूजा, मैं। लेकिन इस टाइम किसी ने देख लिया तो? देख लेने दे पूजा, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने आया है।
सिद्धि तो हटा दी थी, फिर लग गई नींद में, हटा दी होगी सिक्की बजा के। विजय इस टाइम तू यहाँ से चला जा। आज फिर करिया दिखे काम। काम? हाँ, काम काम ही तो कर गया। मैं जानू कौन सा काम कर गया, तू सो जा। सोया हूं? अभी तो मैं जागा हूं। सरपंच मुझे बंटवारा चाहिए अभी। बंटवारा? ये मुझे लगे तू होश में नहीं है। हाँ, मुझे बंटवारा चाहिए और वो भी अभी के अभी। मजा लगे मेरे भाई के कान भर दिए दिखे किसी ने। लाला जी राम राम। राम राम जी, राम राम। लाला जी एंकर का स्विच चाहिए और लेडूर का बल्ब चाहिए। हाँ जी मिल जाएगा। अरे तेरे समझा रहा, उस दिन रात को मैं तेरे से मिलन गया, सीढ़ी में दही चेक करके मेरा पिछवाड़ा टूट गया। तेरा पुप्पा तो यही दुलवावन था, ऐसे स्विच दिलवा रहा जिंदगी में खराब नहीं होंगे। दे दो भाई लाला जी। लो जी ये। और भाई लाला जी स्विच तो दिखाई नहीं तन्ने। स्विच है रे जी एंकर का। एंकर भाई बहुत बढ़िया स्विच है भाई साहब। हमारे घर के तो कितने स्विच खराब हो रहे। एक दिन रात को हमारी भैंस खुल गई और वजीर लिगड़ का नहीं पता लगा कहाँ, जहाँ भी देखो अंधेरा था। घर के भी चार पांच स्विच खराब हो रहे। नौकर को भेजूँगा कल को, के बताऊँ सा कहाँ जाना। उसे बताइयो दयानंद नगर डॉक्टर बोरावाली गली। मेरा नाम रुपेश और दुकान का नाम शिव एंटरप्राइज जी, दयानंद नगर शामली। भाई वाह, सारे घर को बदल दूंगा मैं भी। अरे उदयवीर, रात कौन सा भूत चढ़ रहा था तेरे सिर पे? रात तू बंटवारे की बात कर रहा था, किसने कान भर दिए तेरे? कान किसी ने नहीं भरे, मुझे बंटवारा चाहिए। मुझे लगे रात की उतरी नहीं भी। देख भाई, नशे में समझ या होश में, मुझे बंटवारा चाह। तुझे पता तू क्या कह रहा? तू बीबी जो है होश में नहीं है। तो मुझे सब पता, मैं क्या कह रहा? मुझे बंटवारा चाह। उदयवीर तुझे पता माँ और पिताजी के मरने के बाद में मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करी। कोई एहसान नहीं करा मेरे पे। उदयवीर चीखो मत, जो तुम्हारा फर्ज था तुमने पूरा किया। तेरा क्या फर्ज है? कमा के नहीं घुमाया हमने, दोनों बापू बेटा रात दिन खेत में लगे रहे। उदयवीर सच है, तेरे किसी ने कान भर दिए। अब बंटवारा करो या पंचायत बुलाओ। पंचायत? पंचायत हमारा बंटवारा करेगी? हम अब तक लोगों के फैसले करते आए। उदयवीर मेरे भाई बंटवारे का नाम ना ले। बंटवारा? बंटवारा तो आज हो क्या रहेगा? अजी क्या बात है, क्यों इतनी देर चिल्ला रहे हो?
चौधरन हमारे नाश का टाइम आ लिया। अच्छा बंटवारे की बात करी तो नाश का टाइम हो गया। तो बड़े भाई की शर्म कर लो। तू चुप कर। देवर जी सुन लो, बंटवारा करना अच्छी बात ना है। पर वचन ना सुना है भाभी, बंटवारा तो आज होके रहेगा। अरे उदयवीर अमो कहीं तू क्या कह रहा है, तू बंटवारा भूल गया? सरपंच ने अपने औलाद की तरह पाला तू, और जब तक तू नहीं आवा था और सरपंच रोटी भी नहीं खावा था, और आज तू लाला भाषण न दे मुझे। और तू कौन है मारे बीच में बोलने वाला? मैं तनु कहूं, मैं हूं तो कोई नहीं, पर जिस भाई के आगे तेरी आंख भी नहीं उठी थी, आज उस भाई को तू क्या कह रहा? अरे छोड़ लाला, जब होनी अनहोनी में बदल जाग रहे, इंसान किसी की नहीं सुना करता। आजा तू भी देख ले अपने यार का तमाशा। अपने यार का तमाशा? ये क्या हो रहा पिताजी? पीछे बेटे, आज तेरे घर का बंटवारा हो रहा है। बंटवारा? पिताजी अपनी इज्जत के बारे में नहीं, कम से कम ताऊजी की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। तो जाए यहाँ से, मेरा पहले दिमाग खराब है। मैं इस हवेली का बंटवारा नहीं होने दूँ। विजय, विजय बेटे जो हो रहा हो जाओ। नहीं ताऊजी, मैं अपनी आंखों से हवेली का बंटवारा नहीं देख सकता। ऐसी हो भली औलाद। लाला तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इसे देख लूं। हट जा। सरपंच जी, मुझे ऐसा लगे कि विजय अब यहाँ नहीं आने का, और इस चिता को आग तो आपको ही लगानी पड़ेगी। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही है? विजय बेटा तेरे ताई हमें छोड़ के चले गए। तू जा जल्दी से शमशान को चला जा।
नमस्कार जी। कोई बात नहीं, रुआनी करते धैर्य से काम लिया करें। आप भी इतने उदास ना रहो, आप भी समझदारी से काम करो। हे भोलेनाथ, मैं तेरे दरवाजे पे आ गया। हे परमात्मा, हे दिनों के नाथ, हे भोलेनाथ, उसका घर आबाद कर दो, उसके बच्चों को सदबुद्धि दे दो। क्या हुआ विजय, तुम रो क्यों रहे हो? पूजा, तुम नहीं जानती आज मेरी दुनिया उजड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी दुनिया तो मैं हूँ। नहीं पूजा, मेरे लिए तो मेरे ताऊजी ताईजी दुनिया में सबसे बढ़कर है। क्या हुआ ताऊजी को? आज मेरी ताईजी का स्वर्गवास हो गया। कैसे विजय, एक नए दिन तो सबको जाना ही है, इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। अरे इतना हड़बड़ा क्यों रहा, क्या बात है चौधरी? आज फिर चौधरी पानी सर से ऊपर उतर गया सिट्टी बजा के। ऐसा कुछ हुआ अभी? आज खेत में फिर पूजा और विजय दोनों सिट्टी बजा के। पिताजी, इस पूजा का क्या करूं मैं? ठंड रख, मैं जो है चौधरी से बदला लेना, अब समय आ गया। अब पूजा सिट्टी बजा के जा, जा अपना काम कर। देख सरपंच, पेट में कुछ तो गिरना तो पड़ेगा, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, थोड़ा सा खाना खा। यह बात तो मैं भी जानू लाला, पर मजे नू लगे चौधरन के गई मेरी भूख भी चली। देख सरपंच, होनी को कोई टाल सके भाई, उम्र तो काटनी पड़ेगी। विजय बेटा आ जा, ताऊजी खाना खा लो। भूख नहीं है बेटे, थोड़ा सा खा लो। कतई भूख नहीं बेटे। ताऊजी मैंने भी कुछ नहीं खाया। ले बेटे। भगवान, बेटा हो तो विजय जैसा। अम्मा कहा नजर, पता नहीं किसकी नजर लगी इस राजवीर के परिवार को। दो दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, और अब दो तीन दिन में आज सब कुछ बिखर गया। पता नहीं भगवान को के मंजूर है, अके नहीं मंजूर है। लाला जी, सामान लेना था। हाँ बता, क्या लेना था? क्या है? एक पाव दे दो। अधिक लोग नहीं पाए मेरे पास, लेनी हो तो बता।
दिमाग है तेरे पास, चल जा। पानी तेरे भी बता दूं मैं, कदे तेरे सियासी पे आदमी आई सी, लड़के तेरा दिमाग खराब करने के लिए आ जा, चले हमें पता नहीं कहाँ कहाँ था हूँ मैं। पिताजी क्या बात है? अरे बात ही क्या होती, जो आया था लड़के तेरा दिमाग खराब कर दिया इनने, भरे मतलब आधी किलो का चाय का डिब्बा है और यो मांगे भैया, कहाँ से दे दूं मैं इसे? रखा दो पिताजी, पाव का पैकेट। पता तू भी कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जरूर है, ले भाई ला पैसे। हाँ लाला जी। अमुक आज स्कूल में नहीं गया? आज की छुट्टी है लाला जी। ओ विजय, अब तेरे ताऊ की फसल सूख रही, 12th तो उदयवीर ने लगा ली, पर मैंने कहूं उन्होंने उसका ताला लगा दिया, अब उसकी फसल का क्या होगा, है सोचा तुमने? लाला जी मैं खेत में ही जा रहा, पानी दे काम में भी। भाई वाह बहुत बढ़िया, अमुक दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं, उसकी फसल ना सूख जा, ध्यान रखिए। ठीक है लाला जी। ठीक है बता कर जाइए। ठीक है लाला जी। पूजा। विजय कई दिन से कहाँ हूँ, मिलते भी नहीं। क्या करूँ पूजा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। मुझ में भी नहीं। विजय तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुम रोज मिलते थे, अब 4 दिन हो गए तुमने बात भी नहीं की। विजय मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। पूजा घर की स्थिति बहुत खराब है, ताऊ जी खुश नहीं रहते, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। विजय आई लव यू। अरे विजय खेत में पानी दे आ। अरे हम कुछ कह रहे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरी ताई की मौत के कारण तुम हो। जो तुमने मुझे कहा था मैंने वो खोया। उदयवीर तो मेरा सच्चा दोस्त है, हीरा है एकदम हीरा। अब नु बता, अब तू कब आ रहा मेरे यहाँ पूजा का रिश्ता लेंगे? अच्छा अच्छा पूजा का रिश्ता, मेरे यार जब तू गए पूजा तेरे ही घर की बहू बनेगी। ठीक है, अगले इतवार को विजय का जन्मदिन है। ठीक है रिवाल्डर, उदयवीर को छोड़ गाओ। या बात है, अच्छा या बात तो मुझे यूं लग रही, यह सारी आग तो इस जितेंद्र की लगाई हुई है। पंचायत में जो फैसला हुआ था इसके खिलाफ, मुझे ऐसा लगा उसका बदला लेने के लिए और इसने ये सारा काम कर दिया। चौधरी साहब राम राम। राम राम लाला जी, आ जाओ बैठो, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? बस वैसे ही चलाया था। कुछ तो बात होगी। हाँ सोच तो मैं नो रहा था कि ये जो उदयवीर है, हाँ इसने बंटवारे पे इतना जोर क्यों लगाया? अरे छोड़ लाला, जो हो लिया उसका जिक्र करने का क्या फायदा? मगर सरपंच फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात तो यह है इस बंटवारे के पीछे
किसका हाथ है? किसका? अमगर जितेंद्र का लगे है मुझे तो। वो कैसे भाई? अमगर रात उदयवीर दारू में धुत था और डिफाल्टर उसे छोड़ देना था। बहम तो मुझे भी था कुछ कुछ। अमगर सरपंच मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें कह दिया है? और मैं चलूं। अच्छा राम राम जी। विजय विजय सुन रुक रुक। ललन विजय बेटे मेरी बात सुन के जाइए। हाँ लाला जी। मकान मैं एक बात बतानी चाह रहा और मुझे पता तेरे मकान का बंटवारा किसने करवाया? लाला जी किसने करवाया? जितेंद्र ने करवाया। तुम्हें कैसे पता? मका एक बात बताऊं, तू ऐसे तो मैं उड़ती चिड़िया के पर गिर दूं। सबके दो आंख और दो कान हो और लाला के आठ आंख और आठ कान है। समझ गया कि नहीं समझ गया? पिताजी किस चिंता में हो? कुछ नहीं बेटा, कल विजय का जन्मदिन है और आखिरी वार करने का टाइम आ गया। सरपंच की इज्जत के दम कल धज्जा उड़ा दूंगा। अरे विजय। जी चाऊ जी। बेटे कल तेरा जन्मदिन है, हर साल तेरे जन्मदिन पे तेरी ताई तुझे कपड़ों के लिए पैसे दिया करती। ले कुछ पैसे, अपने कपड़े सिलवा लिए, कल को क्या पता उदयवीर तुझे मेरे धोरे लो आन दे या नहीं। ताऊ जी आपका आशीर्वाद ही काफी था मेरे लिए। ले पकड़ लो। बेटे बंटवारा घर का हो जाओ दिल। सबर कर बेटे। अरे है क्या बात चौधरी उदयवीर सिंह? आओ जितेंद्र मेरे यार। ले भाई उदयवीर, आज तेरे बेटे विजय का जन्मदिन है ना, इस खुशी के मौके पर मैं अपने शाले की लड़की पूजा का रिश्ता लेकर आया हूं। एक साथ दो दो खुशियां। तू आदमी नहीं हीरा है हीरा। पर वो तेरा भाई सरपंच बस नाम का सरपंच है, कमीना है एक नंबर का कमीना। वो समाज में बैठने के लायक ही नहीं है वो। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। अब की बार अगर मेरे ताऊ जी के खिलाफ कोई ने कुछ कहा जवान खींच दूंगा उसकी। ये क्या बदतमीजी है भैया? बदतमीजी? पिताजी आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग आपके बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे और आप खड़े सुन रहे, शर्म आती है मुझे। बड़े बेशरम लोग हो, इतनी बात सुनने के बाद भी यही खड़े। चलो पिताजी, मैं अब आपकी और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। विजय इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखिए। चला जा प्रताप और इसे अपने बाप को भी लेता जा। उदयवीर अच्छा नहीं किया आज तेरे बेटे ने, इस बेइज्जती का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। चलो प्रताप। आज तक न भेजे थे।
चौधरी पानी पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। प्रताप बेटे, आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई, डूबकर मरने को जी चाहता है। पिताजी मरेंगे तो वे, तुम चिंता ना करो। पिताजी कल विजय को खेत में घेर लेंगे, इस बेइज्जती का बदला उसे चुकाना पड़ेगा। प्रताप 4-5 लठेत भी लेकर जाना और उस विजय की हड्डी पसली अच्छे से तोड़ देना, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। ठीक है पिताजी। अच्छा चुप हो जा, पिताजी जाग देंगे। क्या बात है? मेरे फूफा जी और मेरे भाई तुम्हें पेटने का प्लान बना रहे हैं। तू घबरावा ना, तू जा, मैं देख लूंगा उन्हें। पर विजय, गया कर दिया तू। भागा जल्दी भाग के। की क्यों मंगवाइया? मैच खेलेंगे रास्ते में। रुको, आ दे ओकी। आज तेरी सारी हेगड़ी निकाल दूंगा। ओए थाने में तो एक भी जिंदा है आप तेरी जाज। अरे मगा के हुआ ले लेने। ताजी विजय को घेर लिया है प्रताप के गुंडों ने, मैं ताऊजी को बताने जा रहा हूँ। अरे यू क्या हो गया भाई, अरे यू क्या हो गया, अरे यू क्या हो गया। अरे के हुआ लल्ला ना। ताऊजी ताऊजी विजय को घेर लिया है प्रताप के गुंडों ने। कहा? गांव के बाहर। ताऊजी जल्दी चलो, अरे ताऊजी जल्दी चलो। अरे उदयवीर क्या हुआ लाला? उदयवीर प्रताप के गुंडों ने विजय को घेर लिया। कहाँ? गांव के बाहर। नाश हो गया, नाश नाश हो गया उदयवीर, नाश हो गया। पिताजी, पिताजी क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों रहा? मेरे हाथ से सरपंच के चक्कू लग गया पिताजी। अरे यू के कर दिया था, वो तो हमें जहन्नम लोबे नहीं छोड़ने का। चल तू छुप जा, मैं कुछ देखता हूँ। अरे इन्हें तो काफी गहरा घाव है और खून भी काफी बह चुका है। डॉक्टर साहब जल्दी देखो मेरे ताऊ जी को। देखिए ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब पुलिस भी आ जाएगी, ये गांव कमालपुर के सरपंच है, जल्दी देखो मेरे ताऊ जी को। अरे इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब क्या हम मरीज का बयान ले सकते हैं? दरोगा जी अभी मरीज बेहोश है, एक घंटे में होश आ जाएगा, आप बयान ले लेना। डॉक्टर साहब बताओ जी कैसे है? घबराने की बात नहीं है, अब खतरे से बाहर है। हे भगवान। अरे बरसुदार जरा बयान तो ले लूं। राम राम सरपंच जी। राम राम दरोगा जी, आ जाओ। सरपंच जी कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत अब ठीक है दरोगा जी, कहो कैसे आना हुआ? यह वारदात कैसे हुई? शायद लूट के कारण ही हमला हुआ है, जो लोग हमला करने वाले थे हमारे इलाके के तो थे नहीं। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ, तहकीकात चलती रहेगी।
सरपंच जी, आप इंसान नहीं देवता हो, देवता, मुझे माफ कर दो। अम्मा का अंत भला तो सब भला, अब सब ठीक हो गया। उदेवी भाई साहब, मुझे माफ कर दो। सरपंच जी, अब रिश्ता लेके कब आऊं? अरे घर तो चलन दे, जब तेरी मर्जी होगी जब आ जाइए। खुश रहो भाई, खुश रहो। हाँ जीते रहो, खुश रहो। और मैंने कहूँ दूध तो लाओ, कुछ तो भरो। लाला, हमारे घर में आज फिर खुशी का माहौल है। चौधरण की आत्मा भी ऊपर तक खुश हो रही होगी। हाँ चौधरी साहब, और चौधरण की आत्मा के साथ में अब मेरी आत्मा भी तो खुश है। आज हमारा चांद घूंघट में, हमें शर्म आती है।